गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अधिगम और शिक्षण जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट जो आपका थर्ड पेपर है उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है विद्यालय और समुदाय। कि विद्यालय और समुदाय का संबंध, देखो विद्यालय और समुदाय का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। बिना समुदाय के विद्यालय की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना विद्यालय के समुदाय की कल्पना नहीं की, दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो विद्यालय और समुदाय है ना, बालक क्या समाज में जन्म लेता है और समाज में ही उसका लालन पालन होता है और समाज का निर्माण पहले परिवार होता है, परिवार से वो समाज में आता है, परिवारों का समूह समाज कहलाता है, ठीक है। तो समाज में वो रहता है और जैसा समाज होगा वैसा ही बालक होगा, जिस समय जो परिस्थिति होती है जिसके अनुसार वो कार्य करता है, यस, जिस समय जिसका बोलबाला होता है समाज में उससे परंपराओं को वो अपनाता है। समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि बालकों या समाज के सदस्यों हेतु उचित शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। यदि और उचित शिक्षा कहाँ मिलेगी उसको, विद्यालय में, तो विद्यालय से वो सही अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। समाज के सदस्यों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय का निर्माण किया जाता है। कि बालक के ज्ञान में वृद्धि के लिए विद्यालय कहाँ जाता है, बालक कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है और विद्यालय जाके उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो दोनों का उत्थान पतन एक दूसरे पर आधारित है। कि यदि समाज में सही परंपराएं, सही विचार या सही भावनाएं विद्यमान नहीं है तो बालक समाज से उसको सीख रहा है, क्योंकि वो पहले परिवार में रह रहा है, परिवार से वो सीख रहा है और उसके बाद विद्यालय में आ रहा है। तो बालक जो वो सीख के आएगा, जिस समय की जो परंपराएं हैं उसी को अनुसार, उसी के अनुसार वो आचरण करेगा और उसी के अनुसार उसका उत्थान और पतन होगा, ठीक है। तो समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए जो है, समाज को जीवित रखने के लिए विद्यालय का अहम योगदान होता है। कि समाज जो है, समाज के उत्थान एवं पतन का बालक के शैक्षिक ज्ञान पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज परिवारों से बनता है, परिवारों के अंदर बालक को जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो संस्कृति, जो कल्चर दिया जाता है, बालक उसी के अनुसार व्यवहार करता है और उस व्यवहार का प्रतिबिंब उस जो है विद्यालय के अंदर दिखाई देता है। अब दूसरा है कि विद्यालय का समुदाय पर, तो विद्यालय के अंदर जो शैक्षिक वातावरण है जिसके माध्यम से बालक सीखता है, उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उसके द्वारा बालक क्या सीख रहा है, कितना ज्ञान ग्रहण कर रहा है और इन फ्यूचर में उसका वो ज्ञान कितना काम में आ रहा है, ये बात उस पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए जो है सैयदन जो है शिक्षाविद, उन्होंने इस लिखा है, इसकी परिभाषा दी है कि सैयदन के अनुसार
जो है कहा है कि हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते, हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते हैं कि शिक्षा चाहे कि शिक्षा चाहे शिक्षा चाहे वह वह विद्यालय की शिक्षा हो या महाविद्यालयों की कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि नहीं है कि शिक्षा नहीं है, ऐसी क्रिया नहीं है जिसका किसी दूसरी दूसरी वस्तु से संबंध ही ना हो, बल्कि जीवन के साथ प्रत्येक कदम पर पर उनका संबंध हो। कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका संबंध बालक के हर कदम पर, हर जगह बालक का होना अनिवार्य। हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय से जो बालक शिक्षा ग्रहण करता है, उस ज्ञान को वो अपने घर में, परिवार में, समाज के व्यक्तियों के साथ जब वो व्यवहार करता है तो वो प्रदर्शित होता है। तो जैसी शिक्षा उसको मिलती है वैसा वो प्रदर्शन समाज के अंदर करता है, या समाज के अंदर जो रीति रिवाज चल रहे हैं जिस समय, उस रीति रिवाज परंपराओं का बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। तो वो परंपराएं वो बालक के आचरण में दिखाई देती हैं और वही आचरण बालक विद्यालय में करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्यालय और समाज का जो है आपस में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, या एक की उन्नति और दूसरे की उन्नति, दोनों को उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा लिखो, क्ले यार्ड के अनुसार इसकी परिभाषा लिखो, विद्यालय एवं समुदाय
एवं समुदाय विद्यालय एवं समुदाय के सहयोग की आवश्यकता विद्यालय एवं सहयोग की आवश्यकता बालक के विकास में महत्वपूर्ण है। कि दोनों का जो है उत्थान और पतन या दोनों का प्रभाव बालक के मस्तिष्क में पड़ता है, उसी के अनुसार वो आचरण करता है। इस प्रकार से विद्यालय समुदाय का जो है बहुत घनिष्ठ संबंध बताया गया है। विद्यालय और समुदाय का संबंध बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें ताकि इस महामारी से आप बच सकें।